So, hi my students, today we are going to learn our first science chapter, food. Where does it come from? Food, where does it come from? Okay, so in this chapter we are going to learn different type of food items, different kinds of food items, then ingredients of food. Ingredients matlab the things we are adding in a food item when we are preparing it. Then sources of food, from where we actually getting the food items, and what are the things, what are the food items animals eat, and how to avoid wastage of food. ये things सभी हमने ये chapter में पढ़ाई करेगा. So let us move to the first paragraph. First of all, we have to know what is the need of eating. What is the need of eating? Why we need to eat food? हमने खाना क्यों खाना चाहिए? खाना नहीं खाए तो क्या हो जाएगा? Okay. So first of all, food, it provides us energy to work. काम करने के लिए हमको एनर्जी देता है. Then it helps in the growth of the body. हमारा बॉडी डेवलप होने के लिए, बड़ा होने के लिए, स्पेशली जो न्यूट्रिएंट होते हैं प्रोटीन, प्रोटीन की मदद से हमारा बॉडी डेवलप होता है. सो फूड आल्सो हेल्प इन द बॉडी ग्रोथ. देन इट रिपेयर्स वॉर्न आउट सेल्स. जो हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स हमने पढ़ाई किया, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी. सो सेल्स, कोई भी सेल्स हमारे बॉडी में डैमेज होते हैं, वॉर्न आउट होते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हमको ये फूड और ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए. एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस. जो कुछ बीमारी सभी होते हैं वो टाइम हमको, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो इट आल्सो गिव्स अस स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सर्टन टाइप ऑफ डिजीजेस. बीमारी से बचाने के लिए, बीमारी से बचने के लिए हमको ये फूड आइटम्स चाहिए, एस्पेशली जो विटामिन मिनरल्स. विटामिन मिनरल्स सभी हमको ज़्यादा वेजिटेबल्स फ्रूट से मिलता है. सो ये सभी खाएं तो हमको ज़्यादा बीमारी नहीं हो जाएगा. ओके, देयर इज़ अ प्रोवर्ब, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर फार अवे. इसका मतलब क्या है? जो हमने फ्रूट्स अच्छी तरह खाएं तो और वेजिटेबल्स अच्छी तरह खाएं तो हमको ज़्यादा बीमार नहीं हो जाएगा. ओके, सो नाउ लेट अस सी द सेकंड पैराग्राफ. वैरायटी ऑफ फूड. हमको पता है हर दिन हमने एक ही तरह का खाना नहीं खाता है. हमने एग्स खाता है, ब्रेड खाता है, देन राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, ये सभी खाता है. लंच में, डिनर में सभी ये सभी खाते हैं. सो हमारा ईच मील, और मील कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम. सपोज इफ़ यू आर टेकिंग, जो ब्रेकफास्ट में हमने क्या खाते हैं वो नून में भी नहीं खा जाएगा. हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स हमारा डे में और हमारा मील्स में खाता है. ओके, सो ऑल दिस फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. सारा जो फूड आइटम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है. इंग्रेडिएंट्स का मतलब यही है, हमको बताए जब हमारा मम्मी किचन में खाना प्रिपेयर करता है, उसमें बहुत ज़्यादा थिंग्स, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स डालता है. सो ऑल दिस मटेरियल्स दैट वी आर यूजिंग टू प्रिपेयर ए डिश. ओके, ऑल दिस थिंग्स और ऑल दिस मटेरियल्स हमने हमारा खाना प्रिपेयर करने के लिए उसमें डालता है. These things or these materials are known as ingredients. Okay, खाना बनने के समय जो हमारा मम्मी डिश में डालते हैं, क्या क्या थिंग्स डालते हैं, उसको सभी हमने इंग्रेडिएंट्स कहते हैं. सो आप लोगों को एग्जाम्पल बोल सकेगा, सपोज इफ यू आर मेकिंग दाल, हमने दाल डिश बनाता है तो उसमें हमको क्या क्या डालना है. पल्सेस डालना है, ऑयल डालना है, देन वी विल ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस लाइक टर्मरिक पाउडर, चिल्ली पाउडर, ये सभी डालते हैं. सो देन वी विल ऐड वाटर, वी विल ऐड सॉल्ट, वी हैव टू ऐड ऑयल.
So all these kind of things are coming under the category of ingredients. Dish, कुछ भी dish बनने के लिए हमने उसमें क्या क्या things डालते हैं, all these items are known as ingredients, okay? And खीर, हमको सभी को पसंद है खीर, खीर बनना चाहिए तो हमको उसमें rice डालना है, milk डालना है, sugar डालना है. So rice, milk and sugar are the ingredients of खीर. Okay, so ingredients are the things we are adding into our dish while preparing our food item. Okay, now let us see what are the main sources of food. हमको खाना किधर से मिलते हैं? हमको पता है, we get food from animals and plants. हमको खाना animals से और plants से मिलता है. हमको पता है ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट आर कैपेबल ऑफ मेकिंग ऑन फूड. हमारा ये धरती में जो अपना फूड बनाता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं. हमने क्या करता है, हमने हमारा किचन में प्रिपेयर करता है, लेकिन हमको डायरेक्टली ये खाना नहीं बन सकते हैं. ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना डायरेक्टली जो बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, प्रिपेयरिंग फूड विथ द हेल्प ऑफ दिस वाटर, सनलाइट, देन कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर टेकिंग एंड मेकिंग और प्रिपेयरिंग देयर फूड, देयर सेल्फ ऑन द लीव्स, जो पत्ते में, प्लांट्स का और ट्रीज का पत्ते में ये खाना बनाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. ओके, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑन आवर अर्थ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ओके, बाकी सभी दूसरा एनिमल्स को और दूसरा प्लांट्स को डिपेंड करता है. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली ग्रीन प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग और प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड ऑन आवर अर्थ थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ये प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड विथ द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड अदर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये प्लांट्स भी किधर खाना बनाता है? प्लांट्स भी अपना लीव्स में खाना बनाता है. ओके, सो ये प्लांट्स ये खाना बनाता है, दे विल प्रिपेयर देयर फूड एंड दे विल यूज दैट फूड फॉर देयर ग्रोथ. प्लांट को बड़ा होने के लिए ये फूड यूज करता है. जो बाकी फूड होते हैं, रेस्ट ऑफ द फूड, दे विल स्टोर इन देयर डिफरेंट बॉडी. अंडरस्टूड, दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट. प्लांट्स जो खाना बनाता है उसमें से जो थोड़ा खाना यूज करके बड़ा होता है, जो बाकी फूड होते हैं वो लोग क्या करेगा, दे विल स्टोर इन देयर डिफरेंट पार्ट, स्टेम, रूट, लीफ, ऐसे डिफरेंट पार्ट में ये स्टोर करते हैं. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ईटिंग दैट पार्ट्स, दैट इज वाई, इसलिए हमने बोलते हैं हम सभी प्लांट्स में डिपेंडेड है खाना बनने के लिए, हमको डायरेक्टली नहीं बन सकते हैं. सो दैट इज द पॉइंट आई एम सेइंग. सो द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच वी आर ईटिंग, इट इज नोन एज एडिबल पार्ट्स. ओके, जो प्लांट्स का पार्ट्स हमको खा सकते हैं वो पार्ट्स को हमने एडिबल पार्ट्स कहते हैं. And the parts which we are not capable of eating, or the parts which we will never eat, that are known as inedible parts. Inedible, okay? So let us see what are the major edible parts that we are eating. जो root, stem, leaf, ये सभी हमने खाते हैं. Suppose carrot है, carrot का root है, carrot हमने खाता है वो उसका रूट है. देन पोटैटो, ओनियन, दिस आर द स्टेम पार्ट्स. स्पिनाच, कैबेज, ये सभी क्या है, लीफ पार्ट है, प्लांट का लीफ पार्ट है. ऑलराइट, सो दिस आर द एडिबल पार्ट्स वी आर ईटिंग. नाउ लेट अस सी डिफरेंट फूड आइटम्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज सेरल्स. सेरल्स एग्जाम्पल है वीट, राइस, मेज, दिस आर द सेरल्स एंड इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट.
हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ये सभी खाता है क्योंकि इसमें से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी गिविंग फूड से हमको एनर्जी मिलता है। देन द अदर थिंग द थिंग्स वी आर एडिंग इन आवर डिशेस एंड करीज पल्सेस एग्जाम्पल ग्राम्स एंड पीस। ओके सो दिस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसमें से हमको प्रोटीन ज़्यादा मिलते हैं। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो आवर बॉडी। हमारा बॉडी हमारा मसल सभी अच्छा होने के लिए हमारा बॉडी बहुत जल्दी ग्रो होने के लिए बड़ा होने के लिए वी कैन ईट प्रोटीन। ऑल राइट देन शुगर। ओके चीनी शुगर शुगर इज ऑल्सो ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। देन द अदर थिंग इज बीवरेज। बीवरेज का मतलब क्या है? बीवरेज मतलब यही है ड्रिंक अदर दैन वाटर। ओके जो पानी के बिना हमने क्या क्या पीते हैं लिक्विड फॉर्म में क्या क्या पीते हैं ऑल दिस आइटम्स आर इंक्लूडेड इन बीवरेज। हमारे इंडिया में तो हमने टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। सो टी एंड कॉफ़ी आर बीवरेजेस। टी किधर से बनाता है हमने? टी इज मेड फ्रॉम टी लीव्स। टी चाय का पत्ते होते हैं उसमें से बनाते हैं। एंड कॉफ़ी इज मेड आउट ऑफ सीड्स। कॉफ़ी हमने सीड्स से बनाता है। देन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल्स। सब्जी बनने के टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स यूज़ करते हैं। मस्टर्ड सीड ग्राउंडनट सीड देन कोकोनट इसमें से सभी हमने उसका ऑयल डिराइव करता है। देन वी विल एड इट इन आवर डिश। देन सर्टन टाइप ऑफ स्पाइसेस ऐड किया तो हमारा जो डिश हमने बना दे बहुत टेस्टी बन जाएगा। ओके जो चिल्ली टर्मरिक देन फेनल सीड्स आई विल शो यू द फिगर्स ये सभी हमने हमारा खाना में डाले तो हमारा फूड बहुत टेस्टी हो जाएगा। स्पाइसेस ऐड फ्लावर टू द फूड। ओके एंड ये स्पाइसेस को थोड़ा मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं। मतलब जो टर्मरिक पाउडर होते हैं हल्दी होते हैं येलो कलर पाउडर सो ये सभी हमने हमारा खाने में डाला तो जो जेम्स सभी जो कुछ कीटाणु होते वो सभी मर जाएगा। और ये थोड़ा स्पाइसेस होते हैं हमारे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए मदद करते हैं। ओके सो बिसाइड्स दिस वी कैन ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो। वी विल ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स वेजिटेबल्स से हमको विटामिन मिनरल्स सभी ज़्यादा मिलते हैं। देन वी विल ईट वी कैन ऑल्सो गेट रफेज। ओके रफेज फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज मतलब क्या है? रफेज मतलब जो फाइबर फूड आइटम्स हैं। फाइबर फूड आइटम हमने ये खाना सभी खाता है लेकिन ये हमारा बॉडी में अच्छी तरह डाइजेस्ट होना चाहिए। ओके अच्छी तरह डाइजेस्ट होना चाहिए। डाइजेशन प्रोसेस अच्छा होने के लिए वी हैव टू इनटेक मोर वाटर एंड रफेज। पानी ज़्यादा पीना चाहिए और ये रफेज मतलब फाइबर फूड आइटम्स ज़्यादा खाना चाहिए। ऐसे खाएं तो हमारा डाइजेशन ईजी हो जाएगा। ये रफेज मतलब फाइबर फूड आइटम्स भी डिफरेंट टाइप है। सोल्यूबल फाइबर है इनसोल्यूबल फाइबर है। ओके जो एप्पल बेरीज सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन ऑरेंज ये सभी सोल्यूबल फाइबर बोलते हैं हमने। ओके देन इनसोल्यूबल फाइबर देखे तो कैरेट देन टोमेटो ये सभी इनसोल्यूबल फाइबर है। सो इफ़ यू आर एडिंग रफेज एंड वाटर इन आवर डाइट हमने ज़्यादा रफेज खाए तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाएगा। अंडरस्टूड? सो नाउ आई विल शो यू वन पिक्चर। यू हैव टू रीड इट केयरफुली एंड आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चंस। ओके सो दैट इज योर होमवर्क। सो दैट इज टुडे सेशन। थैंक्स।